मेरठ में शुरू हुई पुलिस की सख्ती, जिले की सीमाएं हुई सील, 11 बजे के बाद घूमने वालों के चलान, शहर और देहात सहित जिले में अब हर जगह सख्ती, लॉकडाउन के बाद आज दिखी पुलिस की सख्ती। मेरठ में अब लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती भी शुरू हो चुकी है, जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई, बिना कोविड जांच रिपोर्ट के किसी को जिले में नहीं घुसने दिया जा रहा। वहीं जिले के अधिकारी भी सड़कों पर उतर गए हैं। आज आईजी प्रवीण कुमार, कमिश्नर डीएम के बालाजी, एसएसपी अजय साहनी, एसपी देहात केशव कुमार और एएसपी सूरज राय अपने अमले के साथ महानगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लोगों को रास्ते में रोक रोक कर चेक किया गया। वहीं जो भी बेवजह सड़कों पर दिखाई दिया उनका चालान काटा गया। पुलिस ने आज के बाद से सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते सड़कों पर फल बेचने वाले और सब्जी बेचने वालों को भी पुलिस ने लाठिया कर भगा दिया। प्रदेश सरकार द्वारा 10 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान अब नियम भी सख्त कर दिए गए हैं, जिसके तहत जहां दूध और किराने की दुकान जैसी आवश्यक सेवाओं को भी 11 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं सुबह 11 बजे के बाद सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते सुबह से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर पड़ी। एएसपी सूरज राय के नेतृत्व में बेगमपुर, आबुलेन आदि के अलावा घंटाघर तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बेवजह सड़क पर घूम रहे कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। वहीं पुलिस से उलझने वाले कुछ वाहन चालकों के वाहन सीज भी किए गए। इसी के साथ शहर में सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रही, जिसके तहत 11 बजे के बाद मार्केट में खुली हुई दुकानों को बंद कराया गया। वहीं कई व्यापारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपको बता दें कि इस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्त है और प्रशासनिक अधिकारी भी सड़क पर मौजूद है। देखिए मेरे पीछे किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, पूरी तरीके से यहाँ पर हाथ में डंडे लेके पुलिस प्रशासन रूल्स का फॉलो करा रहा है। घर से निकलने के लिए मना किया गया है और लोगों को रोक कर चेकिंग भी की जा रही है, लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। बेवजह घर से जो निकल रहे हैं उसको सख्ती से पालन कराया जा रहा है। देखिए मेरे पीछे किस तरीके से गाड़ी को रोक कर पुलिस कर्मी चेकिंग कर रहे हैं और चालान देख किस तरीके से कागज़ को चेक किए जा रहे हैं, बिना मास्क को चेक किया जा रहा है और पूरे अगर जानकारी सही से नहीं बता पा रहे हैं तो उनके चालान भी किया जा रहा है। सड़कों पे बेवजह घूमने वालों को लगातार पुलिस एक्टिव मोड में है और लगातार चेक किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन लोगों को रोक रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए मैं आपको दिखाऊँगा, ये मेरठ का बेगमपुर चौराहा है, पुलिस यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है, पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपी देहात, एएसपी कैंट सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि कोरोना के जो खतरा है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, अपने बेवजह घर से बाहर ना निकले। जय भीम टीवी भी आपसे यही अपील कर रहा है कि हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, निकले तो बहुत सोच समझ कर निकले, जो हालात है बेकाबू है और रोज़ ही डेथ रेट में भी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। मेरठ से आशीष प्रेमी, जय भीम टीवी।